सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है अनिश और आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, मैं आपको केरल का गुरुवायूर शहर का भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बताने वाला हूँ। गुरुवायूर जो क्षेत्र है, ये भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर को दक्षिण की द्वारका और भूलोक वैकुंठ भी कहते हैं। गुरुवायूर ये जो केरला में है, ये त्रिशूर से है, शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत से लोग जो त्रिशूर में टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मेन सबसे टूरिस्ट प्लेस मेन अट्रैक्शन है गुरुवायूर मंदिर। और ये बहुत बड़ा मंदिर है और मैं आपको ये मंदिर पूरा बताने वाला हूँ, साथ ही में यहाँ पे क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है मंदिर के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और तो ये मेरा वीडियो पूरा देखिए। गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, ये विष्णु स्वरूप मूर्ति है, चतुर्भुज मूर्ति है और यहाँ पे उनके बाल कृष्ण स्वरूप की पूजा होती है और यहाँ पे ऑयल अभिषेक भी होता है। दूसरा कि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ पे जेंट्स को यहाँ पे मेन धोती पहननी है और लेडीज़ को साड़ीज और पंजाबी ड्रेस यहाँ पे अलाउड है। और दूसरा कि मंदिर जो है, जनरली यहाँ पे सैटरडे संडे को बहुत भीड़ रहती है। तो अभी हमने जर्नी स्टार्ट की है त्रिशूर से गुरुवायूर जाने के लिए और अभी मैं आपको ये त्रिशूर शहर बता रहा हूँ, तो आप ये ज़रूर देखिए। गुरुवायूर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और रोड भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हम ये जो रोड पे आए, ये गुरुवायूर जाने का रास्ता है और अभी यहाँ पे थोड़ा काम भी चालू है। रास्ते में बहुत से होटल्स रेस्टोरेंट सभी दिखते हैं। ये सब त्रिशूर का, त्रिशूर के एरिया है ये सब। जाते जाते यहाँ पे रास्ते में सब नारियल के झाड़ और सब खेत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और नारियल के और केले के भी झाड़ बहुत दिखते हैं यहाँ पे। तो अभी हम गुरुवायूर के नज़दीक आ गए हैं, तो अभी गुरुवायूर शहर ये अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिए ताकि मैं आपको मंदिर का ये सब जो मेन डोर से मंदिर के, ईस्ट नाड़ा, वेस्ट नाड़ा, नॉर्थ नाड़ा, ये सब बताने वाला हूँ। तो ये मेरा वीडियो पूरा देखिए। अभी ये गुरुवायूर शहर आ गया है और अभी ये पूरा मैं शहर आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाते वक्त बहुत से सुपरमार्केट दिखे थे जहाँ पे कच्चे केले, पक्के केले सब दिख रहे थे, नारियल भी दिख रहा था और कद्दू भी दिख रहा था। बहुत से सुपरमार्केट यहाँ पे ऑन वे दिख रहे हैं अभी। तो अभी मैं ये, हम गुरुवायूर शहर में आ चुके हैं, तो अभी मैं ये पूरा आपको गुरुवायूर शहर बताने वाला हूँ और उस साथ ही में मंदिर, ये मेन सिटी एरिया में ही है तो जाते वक्त सिटी ये आपको दिखा ही रहा हूँ मैं।
पे गुरुवायूर का भी मेन ब्रिज आने वाला है। तो ये गुरुवायूर का मेन शहर का मेन ब्रिज है यहाँ पे, ये जो कि मंदिर के रास्ते जाता है। नाड़ा गेट है यहाँ से, और यहाँ से राइट लेंगे तो ईस्ट नाड़ा के पीछे की साइड जो है वो नॉर्थ नाड़ा उसको कहते हैं, वो नॉर्थ गेट है। तो वहाँ से वो पार्किंग नज़दीक है। यहाँ पे सब होटल्स भी आपको दिखेंगे जाते वक्त। के नज़दीक आ गए हैं। अभी मैं मंदिर के परिसर में आया हूँ। मैं नॉर्थ गेट से उतरा हूँ अभी, जो कि मंदिर के क्लॉक रूम की साइड वहाँ से आती है। और ये इतनी भीड़ है यहाँ पे आज, और बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो अभी आप देख, क्लॉक रूम के नज़दीक ही बाथरूम है, और ये मंदिर का मेन गेट है। अभी भीड़ बहुत है, और आज वैकुंठ एकादशी है तो उसकी वजह से भीड़ बहुत है, और नंबर भी रश भी बहुत है। लगभग जो भी जनरली आते हैं ना, तो उनको 4-5 घंटे तो वेटिंग पे रहना ही पड़ता है। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, अभी लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पे आते हैं और देखने के लिए। यहाँ पे फोन, मोबाइल फ़ोन और बाकी सब अलाउड नहीं है। तो क्लॉक भी, मैं मंदिर की कहानी आपको बताता हूँ। ये मंदिर जो है ये लगभग 5000 साल पुराना है, और इस मंदिर का निर्माण जो पहले करवाया था वो भगवान विश्वकर्मा ने करवाया था, जो कि उन्हें वास्तु का देवता भी कहा जाता है। और इस मंदिर में मूर्ति जो भगवान श्री कृष्ण की, उसकी स्थापना देवगुरु बृहस्पति और वायु देवता ने की थी। और कहानी ऐसी है कि 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अवतार समाप्ति के बारे में देवगुरु बृहस्पति को कहा कि मैं अभी अपनी अवतार समाप्ति करने वाला हूँ, तो मेरे महल में आप जल्द से जल्द कैसे भी करके आप मेरी मूर्ति वहाँ से लेकर आइए, क्योंकि द्वारका किसी भी क्षण डूब सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति मूर्ति लेने के लिए निकल गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, द्वारका डूब चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अवतार समाप्ति की थी।
तो तब उसी वक्त देवगुरु बृहस्पति ने वायु देवता को बुलाया और उन्होंने वायु देवता ने समुंदर के अंदर जाके वो मूर्ति ढूंढ के निकाली और उसे अच्छी जगह स्थापन करने का उन्होंने निश्चय किया। तब वे जगह ढूंढते ढूंढते दक्षिण की दिशा पे आ गए जहाँ पे भगवान शंकर पार्वती माता के साथ बैठे हुए थे एक द्वीप पर। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं इसी मूर्ति के बारे में बता रहा था कि ये इसी मूर्ति के मैं राह देख रहा था कि तभी भगवान शंकर ने देवगुरु बृहस्पति और वायु देवता को कहा कि आप इसी जगह पे सामने जो टापू है वहाँ पे आप उसकी स्थापना कर दीजिए। तो उसी प्रकार इसकी स्थापना हुई। ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए अपना एक्सपीरियंस। और धन्यवाद।